अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है दिल्ली देगी बिरयानी, और इसकी तरकीब क्या है, मज़ेदार से बिरयानी किस तरह तैयार होगी, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भैया। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये मैंने 1 किलो से ज़्यादा गोश्त है वो ले लिया, 1 किलो चावल है, तो ये मैंने ना आलू बुखारा सूखा, 2 चम्मच दादरी मिर्च के, 1 चम्मच हल्दी का, 2 चम्मच पीसी हुई मिर्च के, तो 2 चम्मच नमक के, 1 चम्मच ज़ीरे का, ये मसाला बिरयानी मसाला शान का। हाँ जी, तो ये चावल मैंने घंटा हो गया भगो दिए हैं, अब थोड़ी देर तक ना मैं उबालूंगी। ये देखे पक्की बासमती है, तो हम लोग मतलब इसका जो मसाला तैयार करना है उसके प्याज हम लोग तैयार कर लेते हैं। हाँ जी, और फिर आपको दिखाते हैं कि मज़ेदार से जो सी बिरयानी है वो हमारी किस तरह हाँ जी तैयार होगी, क्योंकि प्याजों को ज़रा टाइम लगेगा ना, तो इसलिए फिर वो जल्दी से करके ना मसाला भून के फिर डाल देंगे दम पे रखते हैं। ठीक है। हाँ जी, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग बिरयानी है, आप लोगों को पता है आज की रेसिपी है हमारी, तो उसके प्याज हम लोगों ने ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं। प्याज यहाँ पे हमें लाइट ब्राउन करने हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, और अब हम आपको दिखाएंगे इसके बाद उसको गलने के लिए रख देना है कि मज़ेदार जो सी बिरयानी है वो कैसे तैयार होगी। अदरक का पेस्ट डाल दिया, 5 मिनट भूनते हैं इसे, तो इसमें ना मैं टमाटर भी डालती हूँ, 2 टमाटर डालूंगी मसाले में, बस ये डाल दिया कि ये नरम हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, 5 मिनट भून लेगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। डाल दिया, अब ये ना थोड़े से प्याज डाल दें, फिर इसके बाद मुर्गी डाल दें। जी तो व्यूवर्स, अब देखते हैं कि जो हम लोगों ने प्याज करने के लिए रखे थे। हाँ जी, तो मम्मा ये हो गए कुछ हद तक, तो हो ही गए हैं, काफ़ी हो गए हैं, बस आप मुर्गी डाल देते हैं, मुर्गी भी डाल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो व्यूवर्स अब इसके अंदर हम लोग चिकन ऐड करते हैं। पहले हम लोगों ने सिंपली प्याज रखे थे, इसके अंदर का पेस्ट डाल के इसको भुना था, और मम्मा ने 2 अदर टमाटर शामिल किए थे, साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी। हाँ, थोड़ी सी गल जाएंगी तो फिर अच्छी रहेंगी, मतलब टेस्ट में आपको खाने में मसला नहीं होगा। टमाटर मैंने ज़्यादा डाल दिए थे, अगर चाहें तो आप दही भी डाल सकते, मैंने दही नहीं डाली। हाँ मतलब दोनों का काम तो एक ही ना, दही और टमाटर का मतलब काम तो एक ही होता है, और अब हम लोगों ने इसको अच्छे से भूना, तो मम्मा इसके बाद मतलब फिर अब स्पाइसेस डालेंगे इसके अंदर। हाँ जी, फिर मसाले डालेंगे, फिर आलू बुखारा भी, इमली भी, ये थोड़ा सा ये खट्टा खट्टा सा मसाला हो जाएगा, फिर हम चावलों को उबाल के दम लगा। लेकिन बिरयानी का काम बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा इसका प्रोसीजर होता है, और अगर तहदार बिरयानी बनानी हो तो फिर उसके तह लगाना तो काफ़ी होता है। बच्चे लेकिन तो मेरे फिर पीछे पड़े हुए थे, बनाओ बनाओ बनाओ, मैंने कहा चलो आज बना ही देते। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आज जो सी आप वीडियो बना रही है ये बच्चों की फरमाइश पे बना रही हैं आप? बच्चे भी नहीं छोड़ते मम्मा को, ये बना के दो वो, माशाल्लाह माशाल्लाह, जब इतने मज़े के खाने बनाने वाली मम्मा हमें अल्लाह ने दी हो तो फिर बनती तो है ना रिक्वेस्ट। ईद वाले दिन तो फ्लाई पकाते हैं, हाँ जब यहाँ भाई लोग देख के यहाँ पे हमें देखने वाले फरमाइश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो फिर हम तो फिर घर के फिर हमारा भी हक बनता है कुछ ना कुछ आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे बनाएं। तो भी बस आप लोगों ने कहना, वीडियो को पूरा देखना, देखना मज़ेदार से बिरयानी कैसे तैयार होगी, खुश्क हो जाए फिर आपको दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं, ये आलू को सारे मसाले सारे मैंने डाल दिए। अच्छा, ये शान का मसाला भी डाल दिया मैंने, अब हम इसे मिक्स करते हैं। तो खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही, चिकन जो है तकरीबन गल चुका है, और मसाला हम लोगों ने यहाँ पर तैयार कर लिया, इट्स मीन कि आलमोस्ट जो है हमारा हाफ काम है बिरयानी का वो हो गया है, क्योंकि मसाला तैयार करना है उसके बाद फिर चावलों का, लेकिन चावलों का काम रहता है, हम लोगों ने चावलों को बॉयल करना है, एक कनी रख के, और फिर इसकी तहें लगानी, और फिर जाके जो हमारी वो बिरयानी वो तैयार होगी। तो मम्मा अब हम लोग मतलब अच्छा जी, ये अब हो गया ना, अब मैं डालूँगी इसके इमली, आलू बखारा भी हम लोगों ने डाला है, क्योंकि हम लोग इसके इमली भी डाल रहे हैं ताकि जो सा इसका टेस्ट वो बहुत अच्छा सा आ जाए, क्योंकि दिल्ली देगी बिरयानी है, तो देख के जो सी बिरयानी होती है आप लोग बताओ, इसके अंदर आलू बखारा भी होता है, इमली भी होती है, टमाटर भी डाले होते हैं, और बहुत मज़े की भी होती है, तो इंशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी बनेगी। हमने इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें भी डाली हैं, तो बहुत स्पाइसी सी इतनी सी जो सी हमारी बिरयानी तैयार होने वाली है। तो आप लोगों ने कोई रिक्वेस्ट करनी है या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। अच्छा जी, आप वैसे मैं 5 मिनट रखूँगी पकने के लिए, अब मैं चावल उबालती हूँ। ठीक है, तो व्यूअर्स आप लोगों को दोबारा दिखाते हैं, आप लोगों ने कहीं जाना वीडियो को पूरा देखा। हाँ जी, ये देखें मैं
जो मसाला बनाया तो सारा मैंने इन्हें डाल दिया। अब मैं ऐसे ना ऐसे मिक्स कर देती हूँ मैं। अब ये मैं जो हमारे लिए पकाया चावल है ना वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखें क्योंकि मैं कहती हूँ अल्लाह का रिज़्क है, ज़ाया नहीं होना चाहिए चावल, इसलिए मैंने ना साफ था कपड़ा उसके साथ में मैंने इकट्ठे करके ना डाल दिए। ये अब उसके ऊपर कलर डाल के फूड कलर डाल के हम इसको मतलब दम कर देंगे। आप ना पानी में भी डाल के मतलब डाल सकते हैं, दूध में मिक्स करके भी कलर, मैं तो वैसे ही डाल दूँगी। मैं आपके सामने ना भी डालती हूँ। तो उसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखें इसके साथ ना खुद ही वो दम पे मतलब दम हो जाएगा पानी के साथ। हाँ। जो दम का पानी होगा उसके साथ हो जाएगा। ठीक है तो व्यूअर्स को हम लोग दम पर लगाते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं कि अब ये मैंने आपके सामने रख दिया, अब मैं दम पे लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है और जबरदस्त से खुशबू आना शुरू हो गई है। केला केला डाला है ये देखिए। और जो चिकन वो भी गल गया है, डाला था ना वो भी, ये देखिए बिल्कुल देगी बिरयानी जो सी है वो हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम लोग यहाँ पे खाने का जो सा है दस्तरखान भी लग गया, साथ हम लोगों ने यहाँ पे रायता बनाया है और ये बिरयानी है। ये तो हाँ जी देखिए नमक मिर्च डाली है मैंने, वैसे डाल नहीं, काली मिर्च थी, बच्चे पसंद करते हैं सुरख मिर्च, तो फिर यही डाल दिए। ठीक है तो अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं और आज पापा से भी जानेंगे कि पापा को मम्मा के हाथ की कौन सी चीज़ पसंद है। और आज हम लोगों ने बनाई है देगी बम्बई दिल्ली बिरयानी। तो फिर मतलब देख पूछते हैं पापा से कि पापा को कैसे इतने में आप पापा से बात कर लेना। अच्छा चले ठीक है, जब तो मम्मा ने कह रहे पापा से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम। अच्छा पापा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मतलब सब लोग इतनी तारीफ़ करते हैं मम्मा के खानों की जो हमारे देखने वाले हैं, आपको मम्मा की कौन सी हाथ की चीज़ ज़्यादा पसंद है? मुझे सब भी खाने पसंद हैं, सब भी अच्छे खाने। नहीं मतलब कोई एक चीज़ जो मतलब ज़्यादा, जैसे कि आज बिरयानी बनाई है मम्मा ने, बिरयानी भी पुलाव भी। अच्छा तो बनाए सब अच्छी लगती है। आपने आज टेस्ट करके बताना हमारे व्यूवर्स को कि हम लोग नहीं टेस्ट करेंगे, आप करके बताएंगे कि जो मम्मा ने बिरयानी बनाई है ये कैसी बनी है। आप नहीं आपने टेस्ट करके बताना है मतलब नमक मिर्च जो जायका वगैरह है वो कैसा इसका बना है। जी तो अब जो सा है पापा को मम्मा ने सर्व कर दिया है। मैं रायता भी डाल दिया। अब रायता भी डालने लगी है मम्मा। और पापा अब आपने खा के बताना है, ऑनेस्टली बताना है, ये नहीं कहना कि हम मतलब ऑन गया रहे हैं व्यूवर्स देख रहे हैं, आपने टेस्ट करना बताना है कि आपको पसंद आई है कैसी लगी, नमक मिर्च वगैरह सारा कुछ बताएं आप। आज बेटी इंटरव्यू ले रही है पापा। हाँ जी जी आज पापा का इंटरव्यू है, खा के आराम से जज करके बताएं हमारे व्यूवर्स को। सोच रहे हैं खा रहे मम्मा चले जी ठीक है मम्मा पास हो गई हैं आप, तो पापा ने कर लिया पसंद। तो व्यूअर्स अब लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे। मम्मा आप तो फिर आपको नाम मिलना चाहिए। चलो दो जल्दी से निकाल। पापा बस खाने के बाद फिर नाम भी तैयार रखें आप, आपकी ऐसे नहीं जान छोड़नी आज। ठीक है तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो से हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो हम अपने फीडबैक दें और लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। हमारी ये बातें छोटी छोटी सी खुशियां छोटी छोटी सी खुशियां, तो अल्लाह इनको कायम रखे, अल्लाह इनको कायम रखे और ऐसे ही सदा सब लोग खुश रहें, सबके दस्तखान सजे रहें। और इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ पापा। अभी अल्लाह हाफिज़ पापा, तो खाने में मसरूफ़ हो गए हैं, मैं भी खाती हूँ जल्दी से। बिरयानी सामने हो तो फिर कुछ छोड़ता है पेट नहीं होता। ठीक है जी ओके व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़। जिसने खानी वो भी आ जाए, जिसने खानी है वो भी आ जाए, मैंने खानी है।